हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए बेबलेट मेकिंग वीडियो में। और आज हम बनाने वाले रॉक लियोन, जो कि डिफेंस टाइप बेबलेट है और जिसे पहली बार दिखाया गया था बेबलेट मेटल फ्यूजन सीरीज में, और जिसका यूजर है क्योया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि यह एक फोर सीजन ब्लेडर और एक बहुत ही बड़ा राइवल है हमारे हीरो जिंगा का और बहुत ही अच्छा दोस्त है। हालांकि उसने कभी कहा नहीं, पर हम लोग समझ सकते। तो चलिए गाइस, बिना और कुछ कहे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें पीवीसी जॉइंट ले लेना है। हमने यहाँ पे टी जॉइंट लिया, तो चलिए गाइस इसे फटाफट से कट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने पीवीसी जॉइंट को कट कर लिया बिल्कुल भी अच्छे से। और गाइस, अभी हमें इसे फ्यूजन व्हील में ज्वाइन करना होगा। तो इसके ज्वाइन करने के लिए हमें इसकी साइज़ थोड़ी सी कम करनी होगी। इसके लिए गाइस हम यूज़ करेंगे हमारा होममेड टूल। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने एक्सो ब्लेड को शार्प करके इस लकड़ी में फिट कर दिया बिल्कुल इस तरह से। और गाइस, आपने अपना फ्यूजन व्हील मेकिंग वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते ही आगे। सो गाइस, हम सबसे पहले ब्लेड को लकड़ी में फिट कर देंगे, फिर पीवीसी जॉइंट को पीसी पाइप में फिट कर देंगे, फिर उसे ब्लेड के ऊपर रखकर घुमाएंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, पीवीसी जॉइंट का मटेरियल घिसने लगेगा और उसका साइज़ कम होता जाएगा। सो गाइस, हमने पीवीसी जॉइंट को फ्यूजन व्हील के साइज़ का बना लिया। तो चलिए गाइस इसे फटाफट से जॉइन करके कट कर लेते हैं। सो गाइस, हमने पीवीसी जॉइंट को फिट कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अभी हम इसके दूसरी तरफ भी फिट करना होगा, तो चलिए गाइस इसे भी फटाफट से फिट कर लेते हैं। सो गाइस, हमने इसे कट कर लिया, तो चलेगा इसे फटाफट से चिपका लेते हैं। सो गाइस, अभी हम एम सेल का यूज़ करके हमारे फ्यूजन व्हील के सारे गैप को भर देंगे। इससे हमारा फ्यूजन व्हील और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्ट्राइकर का अटैक पार बहुत ही खतरनाक है। उसने सीजीटर को एक ही टक्कर में बस्ट फिनिश के साथ नॉकआउट कर दिया था। इसलिए गाइस, हम लोग चाहते हैं कि हमारा रॉक लियोन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। सो गाइस, सबसे पहले मार्कर के कैप को कट कर लेंगे, फिर हमें लेना है सबसे छोटा ले पीसी पाइप, फिर हम लेंगे प्लास्टिक का मोती, और आखिर में हमें लेना है थोड़ा सा ऑयल। सो गाइस, अभी हम एम सेल का यूज़ करने वाले। इससे पहले हम ऑयल को थोड़ा सा कैप के ऊपर अच्छे से लगा देंगे, फिर एम सेल को भी अच्छे से फिक्स कर देंगे।
गाइस हमें एमसील को पानी से भिगो लें ताकि उंगलियों में ना चिपके। फिर गाइस पूरे पीवीसी पाइप को एमसील से भर देना है। सबसे पहले हम ऑयल को मोल्ड के अंदर अच्छे से लगा देंगे ताकि एमसील उसके अंदर चिपक ना जाए। अभी हमें प्लास्टिक के मोती को एमसील में अच्छे से दबा देना ताकि बढ़िया से निशान बन जाए। जैसे कि आप देख रहे गाइस दोनों बोल्ट बहुत ही अच्छी तरह से बने हैं। सो गाइस दोनों एमसील के मोल्ड अच्छे से सूख चुके हैं, तो चलिए गाइस इन्हें फटाफट से निकाल लेते हैं। सो गाइस रोकलियन का परफॉर्मेंस टिप व्हाइट कलर का होता है, इसलिए गाइस हम भी व्हाइट कलर का एमसील यूज़ करके रोकलियन का परफॉर्मेंस टिप बनाएंगे। सो गाइस अभी हम बनाने वाले डिफेंस टाइप परफॉर्मेंस टिप। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा स्पिन टैग बहुत ही अच्छे से बना है। तो गाइस अभी हम इन दोनों को जॉइन करके ड्रिल कर लेंगे। सो गाइस अभी वक्त हो चुका है एनर्जी रिंग बनाने का, तो चले गाइस फटाफट से एनर्जी रिंग बनाना शुरू करते हैं।
सो गाइस हमने छोटे कार्डबोर्ड पीस को डिजाइन में कट कर लिया, तो चलिए गाइस इसे फटाफट से चिपका लेते हैं। और गाइस हमने ड्राइंग भी बना ली है, तो चलिए गाइस इसे फटाफट से कट कर लेते हैं। फेस बोल्ट के लिए हमने व्हाइट बोतल कैप और पीसी पाइप का यूज़ किया है। सो गाइस हमारी एनर्जी रिंग रेडी हो चुका है, तो चले गाइस इसे फटाफट से पेंट कर लेते हैं। तो चले गाइस फटाफट से एनर्जी रिंग को पेंट कर लेते हैं। तो गाइस सारे पार्ट्स रेडी हो चुके हैं, तो चले गाइस इन्हें फटाफट से असेंबल कर लेते हैं। सो गाइस असेंबल हो चुका है, तो चले गाइस फटाफट से पेंट कर लेते हैं। सो
सो गाइस जब हम पेंट कर रहे थे उसी वक्त छोटे बेबलेट फैन आ गए थे। चले गाइस उनकी छोटी सी बैटल देख लेते हैं। 2-1 गो। मेरा टीला वाला है। गया जी आज तेरा नाम नाम सुनते मेरा हो है आलो तुम वो क्या कहता पूरा दम लगा बट उसका है कल्लू का मेरा ये पीला। सो गाइस ये हमारी फाइनल और आखिरी असेंबलिंग। तो चले गाइस इसे फटाफट से ख़त्म करते हैं और बेबलेट को रेडी करते हैं। सो गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट बैटल होने वाले रॉक लियोन वर्सेस रे स्ट्राइकर सबसे ताकतवर अटैक टाइप बेबलेड वर्सेस सबसे ताकतवर डिफेंस टाइप बेबलेड और गाइस उस बैटल में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाले दोस्तों इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूले करता। चलिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।